इतिहास गवाह है कि 15वीं 16वीं सदी विच तन तन श्री गुरु रविदास जी महाराज एक महान क्रांतिकारी युग पलटाऊ चिंतक ते दबियां कुचलियां कौमां दे मसीहा बनके इस धरती ते आए। उन्होंने सब नूं एक परमेश्वर की भगती ते सांझीवालता का उपदेश दिता। श्री गुरु रविदास जी दे संघर्ष की बदौलत ही अज भारत का हर एक मनुख बराबरता का निघ मान रहा है, जिन्होंने गुलाम व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद करदिया कहा, प्राधीनता पाप है जान लेहो रे मीत, रविदास दास प्राधीन से कौन करे है प्रीत। गुरु रविदास जी ने अपने जीवन काल के दौरान बहुत सारिया यात्रावां कीतियां। वो जिथे भी जाते उत्थे दे भुले भटके लोगों अपने विचारां नाल जागृत करते ते परमात्मा दे नाम दा सच्चा संदेश दे के सिद्धे राही पाउंदे। गुरु जी दियां इन्हां यात्रावां दे बहुत सारे किस्से साखियां दे रूप विच प्रचलित ने। अजिही ही एक साखी है जो दिल्ली दे बादशाह सिकंदर लोधी नाल मुलाकात समय वापरी। सिकंदर लोधी अपने पिता बहलोल लोधी की मौत तो बाद बादशाह बन के दिल्ली दे तखत ते विराजमान होया। सिकंदर लोधी एक बहुत ही खुंखार शासक सी। उस दे राज विच प्रजा दे अधिकारां दी शरेआम लुट कीती जांदी सी। देश विच समाजिक धार्मिक आर्थिक ते राजनीतिक पद्धर ते अशांति सी। जात पात ऊच नीच ते अत्याचार अपनी चरम सीमा ते सन। सतगुरु रविदास जी ने जदों ये समाजिक असमानता जात धर्म ते अमीरी गरीबी का पाड़ा वेख्या तां वो बहुत दुखी होए। गुरु जी ने अपनी बाणी विच इन्हां सब कुरीतियां दा सख्त खंडन किया। गुरु जी अनुसार जदों प्रभु दे घर विच ही कोई जात पात ते ऊंच नीच नहीं है तां उसकी बनाई हुई खलकत क्यों आपस विच वंडी हुई है। उन्हां अपनी बाणी विच जिक्र कीता, रविदास उपजई सब एक नूर ते बामण मुल्ला शेख, सबको करता एक है सबको एक ही पेक। धर्म दे फोके करम कांडा ते वहमां भरमां दा खंडन करन लई ए बाणी आम लोकां विच प्रचलित होण लगी। गुरु जी दी उच्ची सुची बाणी सुन के आम लोकां नूं ज्ञान होण लगा ते ओ मुल्ला मौलाणियां ते पंडतां तों बागी होण लगे। जात पात पूछे ना कोए, हर को भजे सो हर का होए, कह रविदास जो जपे नाम, तिस जात ना जन्म ना जूनी काम। ये सब देख के धर्म दे ठेकेदारां दी रोजी रोटी खतरे विच पै गई ते उन्होंने एका करके सिकंदर लोधी दे पीर शेख तकी कोल गुरु जी दे खिलाफ शिकायतां करनियां शुरू कर दित्तियां। उन्हां कहा कि गुरु रविदास नीवी जाति दा हो के रब्बी ज्ञान दियां गल्लां करके लोकां नूं कुराए पा रहा है ते जे इसे तरह हुंदा रहा तां साडे धर्म खतरे विच पै जाणगे। फिर उन्होंने शेख तकी नूं एक सुझाव दिता कि क्यों ना गुरु रविदास का धर्म परिवर्तन करा के उन्होंने मुसलमान बना दिता जाए। जे गुरु रविदास ही मुसलमान बन गया तो उसके सारे पैरोकार भी मुसलमान बन जाएंगे। शेख तकी ने सिकंदर लोधी को जाके सारा मसला बयान कर दिता। ये सब सुन के सिकंदर लोधी ने सैनिकां नूं गुरु रविदास जी नूं अपने दरबार विच लियाउण दा हुक्म दिता। जदों गुरु रविदास जी दरबार विच आए तां सिकंदर लोधी ने उन्हां नूं अपना धर्म परिवर्तन करन लई जोर पाया। उसने गुरु जी नूं बहुत डराया धमकाया ते जानों मारन दियां धमकियां दित्तियां, पर गुरु जी ने धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं कीता ते कहा कि हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीत,
रविदास पूजई उस राम को जेहे निरंतर प्रीत। ये सब देख के बादशाह सिकंदर लोधी गुस्से विच लाल पीला हो गया ते गुरु जी नू हाथी अगे सुट के कतल करन दा हुकम दे दिता। लोकां दी भरी भीड़ विच गुरु रविदास जी नू मस्त हाथी दे अगे सुट दिता गया। ये सब देख के संगत डर गई ते चारों पासे हाहाकार मच गई। एक पासे खतरनाक मस्त हाथी झूमदा होया गुरु जी वल वध रहा सी, पर दूजे पासे परमात्मा दे सिमरन विच लीन सतगुरु रविदास जी महाराज बहुत ही शांत ते निडर बैठे सन। जद हाथी गुरु जी दे बहुत करीब आ गया तां ओ अचानक रुक गया ते उन्हां अगे अपना सिर चुका दिता। ये अजूबा देख के सब हैरान हो गए ते गुरु जी दी संगत ने गुरु रविदास जी दी जय, गुरु रविदास जी दी जय दे जकारे लाउणे शुरू कर दिते। ये करामात वेख के भी बादशाह सिकंदर लोधी दा हंकार नहीं टुटिया ते उसने गुरु जी नू काल कोठड़ी विच बंद करन दा हुकम दे दिता। फिर बहुत ही सख्त पैरे हेठ गुरु जी नू काल कोठड़ी विच बंद कर दिता गया। पर सब ये देख के हैरान हो गए कि गुरु जी तां आराम नाल बाग विच टहल रहे सन। संगत ने फिर गुरु रविदास जी दी जय, गुरु रविदास जी दी जय दे जयकारे लाने शुरू कर दिते। ये सुन के बादशाह सिकंदर लोधी भी बहुत हैरान ते परेशान हो गया। वो ये सोच के परेशान हो रहा सी कि उस काल कोठड़ी विच इन्ना सख्त पहरा सी कि परिंदा भी पर नहीं सी मार सकता, पर गुरु जी उस विचों किवें बाहर आ गए। तां गुरु जी ने उचारिया, हे राजन, तीन लोग से भिन्न है परम पुरुष का वास, जहां किसी को गम नहीं तहां रहे रविदास। दूजे दिन बादशाह ने फिर गुरु जी नू दरबार विच बुलाया ते क्या कि तुसी शाही हुकम दी नाफुरमानी कीती है ते मुसलमान धर्म दा प्रचार रोकण दी कोशिश कीती है, इसलिए धर्म दे हित लई तुहानू खत्म करना बहुत जरूरी है। ये सुन के गुरु जी ने सिकंदर लोधी नू कहा, रविदास जीव को मार कर कैसो मिले खुदाई, पीर पैगंबर औलिया को ना कही समझाई। भाव, हे राजन, अपने हमले विच किन्ने ही निर्दोष आदमियां औरतां ते बच्चियां नू तू बेमौत मारिया है। तुसी की समझदे हो कि उन्हां नू मार के तुसी उन्हां दा नामो निशान मिटा दिता, कोई नेक काम कीता, पर परमात्मा ने उन्हां नू किते होर जन्म दे के अपना रुतबा वधा लिया, पर तुसी इंसानियत दे दुश्मन बन गए। हे राजन, दया धर्म सबसे बड़ा, जे नर जाने कोए, रविदास कहे मानव धर्म ही अंत सहाई होए। गुरु जी दे बचन सुन के सिकंदर लोधी भयभीत हो गया। उसके कन्ना विच गुरु जी दे सच्चे बचन गूंज रहे सन ते गुरु जी दे चेहरे दा बेखौफ जलाल देख के तखत ते बैठा सिकंदर लोधी कंब गया। उसनू लगा जिमें दया दे सागर परम पिता परमेश्वर खुदाबंद करीम आप उस दे सामने गुरु रविदास जी दे रूप विच खड़े होण। गुरु जी दे चेहरे ते 16 सूरजां बराबर नूर सी जो सिकंदर लोधी तों झल्लिया ना गया ते उस दियां अखां चुंधिया गईयां। सारा दरबार गुरु रविदास जी दी जय, गुरु रविदास जी दी जय दे जकारियां नाल गूंज उठिया। जन्म सिरानू पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा, कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फनखाने। ये कौतक देख के डरिया दहलिया बादशाह सिकंदर लोधी अपना तखत छड़ के
गल विच पल्ला पा के निमाणियां दी तरह गुरु जी दे चरणा च ढह ढेरी हो गया। सिकंदर लोधी हथ जोड़ता अपनियां भुल्लां बख्शाउंदा होया खिमा याचना करन लगा। फिर उसने गुरु रविदास जी नूं अपने सिंघासन ते विराजमान किया ते सोने दी परात विच गुरु जी दे चरण धो के चरनामृत पीता ते उन्हां नूं अपना गुरु धारण किया। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर तरे, जाकी छोत जगत को लागे ता पर तू ही टरै, नीचे ऊच करे मेरा गोबिंद काहे ते ना डरै। ये इतिहासिक वाक्या 5 अप्रैल 1509 दरबार दिल्ली का है, जदों लखां लोकां दे इकट्ठ विच गुरु जी की जय जयकार हुई। इस मौके बादशाह सिकंदर लोधी ने गुरु जी के आश्रम वास्ते 700 कनाल जमीन भेंट की। इस आश्रम विच संगतां गुरु जी के दर्शन करदियां, सत्संग सुनदियां ते दिन रात लंगर भंडारे चलते रहिंदे। तुगलकाबाद श्री गुरु रविदास आश्रम की मालकी अज भी माल विभाग विच गुरु जी के नाम से दर्ज है। इस लिखत का जिक्र राजे सिकंदर लोधी की स्वै जीवनी विच दर्ज है, जो कि पारसी भाषा विच है ते इसका अनुवाद अंग्रेजी विच भी मिलता है। 1509 तो 1517 तक सिकंदर लोधी के राजभाग का सारा कारज सतगुरु रविदास महाराज जी के विधान बेगमपुरा सहर को नाओ दुख अंदोह नहीं तह ठाओ नूं आधार मन के चलाया गया, जो कि एक मिसाली राजभाग मन्या गया। सारी प्रजा खुशी खुशी गुरु जी का शुकराना करन लगी, जिन्हां दी कृपा सदका जालिम राजा दयालता की मिसाल बन गया ते प्रजा सुख की जिंदगी जीउण लगी। ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, रविदास रहे प्रसन्न। गुरुआं पीरां पैगंबरां दी साखी लई जीवनियां बारे जानन लई साडे चैनल नूं अज ही सबसक्राइब करो जी पिक्सल स्टूडियोज़।